हेलो गाइस वेलकम टू माय मा चैनल इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाला दो मोस्ट पॉपुलर वाई फायर है टेबिलिंग कंपनी के ओसी आवाला ए सी सिक्स हंड्रेड वाई फायडप्टर दूसरा एमेजन बेसिक की ओर से आने वाला 150 फिफ्टी एम बी एस 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 का मिनी वाई में देखिए किसके अंदर कितनी स्पीड देखने को मिल जाता है किसके अंदर आपको टू किसके अंदर फाइव की का सपोर्ट है कौन सा वाला यू एंइट में बैठेगा कौन सा वाला थ्री का सपोर्ट देखने को मिलता है प्लग इन प्ले वाला सिस्टम है फिर ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा और कौन सा वाला बाय करना चाहिए वो सारी चीजें तो आप भी सोचे अच्छे से वाई फायडप्ट बाय करने के लिए आपका बजट अराउंड वन फिफ्टी के करीब तो जेबरॉनिक वाला मैंने बाय किया था नाइन रुपीज का एमेजन प्रेम डिफरेंट से कोई हंड्रेड नाइन हंड्रेड का सेल करा जो बेस्ट से उसका आपको बाई किया थाइ रुपए का इसके भी डिफरेंट डिफरेंट से नाइन हंड्रेड का सेल करा जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इस टाइप का ओवरऑल जेब्रो का बॉक्स देखने को मिल जाता है वहीं कुछ इस टाइप का टिपिलिंग का बॉक्स देने को मिलेगा टिपिलिंग के अंदर आपको फाइव गी गर्ड टू पॉइंट फोर गी ग्ड दोनों सपोर्ट देखने को मिलेगा फाइव गार्ड्स के अंदर मैक्सम फोर थर्टी थ्री एम एमबीपीएस टू पॉइंट फोर के अंदर मैक्सम टू हंड्रेड एमबीपीएस थर्टी थ्री परसेंटेज फास्टर आपको टू पॉइंट फोरने को मिलता है जीरो का सपोर्ट है वैस के अंदर आपको टू

इधर टिपिलिंग की ब्रांडिंग और कम्पलीट प्लास्टिक मटेरियल ग्लॉसी फिनिश दिया गया काफी ज्यादा प्रीमियम लुक है यूएसबी का कलर कंप्लीट आपको गोल्डिश देखने को मिल जाता है तो दोनों का साइड बाय साइड में डिजाइन कंपेयर करते हो तो कुछ इस टाइप का ओवरऑल आपको डिजाइन में डिफरेंट देखने को मिलेगा और लुक में डिफरेंट देखने को मिलेगा तो चलो करते हैं कनेक्ट और स्पीड टेस्ट भी चेक कर लेते हैं तो जैसे कि मेरे कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी कोई भी वाई फाई का अडप्टर नहीं है जो कि मैं सीपीयू के अंदर कोई भी वाई फाई के चिप नहीं थी तो सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेते हैं जेब्रोनिक वाले को तो जैसे आप कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली एक साउंड आएगा जो कि विंडो का साउंड आता है और उसके बाद में विद इन सेकंड में इधर वाईफाई का मार्क भी आ जाएगा तो सक्सेसफुली हमारा वाईफाई का मार्क आ चुका है और इसे टेस्ट करते टाइम पे मैंने ऑलरेडी मेरे वाईफाई से कनेक्ट कर लिया था इसके अंदर ऑनली टू पॉइंट फोर गी गार सपोर्ट देखने को मिलता तो आपके आपके वाईफाई राउटर के अंदर टू पॉइंट फोर गार्ड्स और फाइव गीार्ड्स के दोनों के वाईफाई तो ओके इस पे आपको ऑनली टू पॉइंट फोर गी गार्ड्स के अंदर ये कनेक्ट होगा तो जो कि मेरा कनेक्ट हो चुका है टू पॉइंट फोर गी गार्ड्स में मैं आपको डिफरेंट भी बता दूंगा आगे और इधर मैं सर्च करता हूँ गूगल को हम प्राइवेट ऐप में सर्च करते ठीक रहेगा कुछ भी कुके और कैसे सेव नहीं रहेगा तो जैसे कि हमें सारी चीज़ें न्यू लोड होएगी तो ये मैंने गूगल सर्च किया इधर मैं सर्च करता हूँ नेट स्पीड और सबसे पहली वेबसाइट पे जाएगी फास्ट डॉट कॉम वाली पे तो स्पीड की बात करें तो आप देख सकते हो तो सिक्स एमबीपीस तक हमारा स्पीड पकड़ा है प्लान की बात करें एटी एमबीपीएस का पर मंथ का मेरा प्लान है और वाई फाय आउटर जो मेरा मेन वाला लगा हुआ वो हॉल में लगा हुआ है बीस से पच्चीस फीट दूर है मैं ये जो कि मैं बेडरूम के अंदर टेस्टिंग कर रहा हूँ एरिया ऑफ कवरेज की बात कर दोनों के लिए छो सात सौ स्क्वायर फीट के लिए एकदम परफेक्ट ये देखने को मिल जाता है कोई भी कोने में आपका वाई फायर आउट लगा रहेगा आराम से कैप्चर कर लेगा और नेटवर्क भी ऑलमोस्ट आपको फुल पकड़ लेगा एक बार फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं जेब्रोनिकाले को तो मैंने फिर से लोड कर लिया नाइट एप में तो सेकंड टाइम में मुझे 41 वन एमबीपीएस की स्पीड मिली फर्स्ट टाइम में 66 सिक्स एमबीपीएस की अब मैं क्या करता हूँ लिंक वाले को कनेक्ट कर लेता हूँ इसे करता हूँ रिमूव जैसे रिमूव करूंगा जैसे मेरा वाईफाई का मार्क भी चल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो ये चले गया, अब जो कि मैं करता हूँ लिंक वाले को कनेक्ट तो मैंने सक्सेसफुल टिपिलिंग वाले को कनेक्ट कर लिया टिपिलिंग वाले के अंदर आपको लाइट इंडिकेटर भी मिलता है वही जेब्रोनिक वाले के अंदर कोई भी लाइट इंडिकेटर नहीं है और इधर हमारा जो कि टिपिलिंग वाला भी कनेक्ट हो चुका है इधर आप देख सकते हो फाइवी गार्ड्स वाला भी मेरा वाई शो हो रहा है और टू पॉइंट वाला वही जेब्रोनिक वाला जब भी मैं कनेक्ट कर रहा था तब जो फाइव गी वाला नहीं शो हो रहा था टू पॉइंट फोर और फाइव गार्ड्स के अंदर ये डिफरेंट मिलता है टू पॉइंट में आपको थोड़ा नेट स्पीड स्लो मिलेगा एरिया ऑफ कवरेज ज्यादा मिलेगा वही फाइव गी के अंदर एरिया ऑफ कवरेज कम मिलता है पर नेट स्पीड आपको डेढ़ गुना मिलता है एज कम्पेयर टू टू पॉइंट फोर गी गार्ड वाले से मैं लेफ्ट साइड में कर देता हूँ इधर फिर से एक नया प्राइवेट टैब ओपन करता हूं और इसे मैं राइट साइड में रखता हूं तो जैसे कि आपका कंपैरिजन इजी रहेगा तो सबसे पहले गूगल को सर्च करते हैं और इधर सर्च करते हैं नेट स्पीड तो ये हमारा आ चुका है वो सबसे पहली वेबसाइट सेम वेबसाइट में टेस्ट करके जैसे कि कंपैरिजन प्रॉपर रहेगा तो 63 Mbps का मेरे को जो कि टीपलिंग वाले फर्स्ट टाइम में मिला फिर से मैं इसे लोड करके टेस्ट करते हैं एक बार और और सेकेंड टाइम में मुझे जो कि 66 Mbps का नेट स्पीड मिला तो नेट स्पीड में ज्यादा फ्लक्चुएशन टिपिलिंग में काफी ज्यादा स्टेबल आपको नेट स्पीड देखने को मिल जाता है वही सेबरिक वाले के अंदर आपको 41 66 Mbps एमबीपीएस का जो कि फ्लक्चुएशन ज्यादा देखने को मिलता है एक बार और हम लोड करके चेक कर लेते हैं और फिर से मैंने लास्ट टाइम में टेस्ट किया जो कि तीन बार टेस्ट किया 63, 66, 65 सिक्स मेरा प्लान जो कि 80 एपी का तो ऑलमोस्ट दोनों का मैंने डिटेल में कंपेयर कर दिया अब लास्ट क्वेश्चन आता है दोनों में से कौन सा वाला बाय करना चाहिए तो आपका बजट ज्यादा तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा डेफिनेंग टीपिलिंग वाला बाय कीजिए जिसके अंदर आपको अप टू सिक्स हंड्रेड एमबीपीएस तक का नेट स्पीड प्रोवाइड कर देगा अब जैसे कि सिक्स हंड्रेड एमबीपीएस इसमें डेढ़ सौ इसका मतलब क्या होता है तो आपका जितना प्लान रहता है जैसे मेरा एटी एम का प्लान है इधर जो कि सिक्सटी फाइव सिक्सटी सिक्स तक मुझे फैच करके दे दे रहा है और एकदम पास में आपका वाई राउटर रहेगा तो वो किस पर आपको पूरा का पूरा फैच करके दे

पे आप टिपिलिंग वाले की ओर जा सकते हो वहीं आपका बजट का डेढ़ सौ एमबीपीएस मैक्सिमम लगता है और इतने का या फ्यूचर में भी प्लान ज़्यादा से ज्यादा हो कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे में पूछ सकते हो जैब्रोनिक वन फॉर्टीन पर डिफरेंट डिफरेंट से टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड का सेल करा जो बेस्ट सेलर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब मैंने परचेस किया ऑफर भी चालू टिपिलिंग हंड्रेड आपको देखने को मिल जाता सिक्स नाइन नाइन रुपए परिफरेंट से नाइन हंड्रेड का सेल करा जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको दे दूंगा जब मैंने परचेस किया भी चालू था तो आपका वीडियो अच्छा लगा रहेगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया थैंक यू सो मच वॉर्चिंग दिस वीडियो